बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है व्यूवर्स? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका यूट्यूब चैनल न्यू आईक्यू कुकिंग। मैं हूँ इकरा तारिक। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कराची हलवा, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही मजे का बनने वाला। इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, तो चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप चीनी, एक कप कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून जर्दा रंग, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 4 टेबल स्पून ऑयल, हसबे जरूरत बादाम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हमें चाहिए एक बर्तन, उसमें हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर, अच्छे से बर्तन को साफ करें। इसमें जाएगा 1.5 कप पानी। पानी को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें, इसको मिक्स करें, अच्छे से इसे मिक्स करना है। और इसमें सारा पानी हम शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी लम्ब नहीं रहना चाहिए, तो देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्ब नहीं है। इसमें अब शामिल करेंगे हम फूड कलर और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने अच्छे से अब मिक्स कर लिया है, अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो चलिए चाशनी को तैयार करते हैं। इसमें जाएगी 1 कप चीनी, जितनी चीनी लेनी है उतना ही पानी, 1 कप पानी। देखिए इसका शीरा बनाएंगे हम, साथ ही इसकी जाएगी इलायची पाउडर। शीरा हमें इसका ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, बस चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और शीरा इसका तैयार है। मीडियम फ्लेम पर इसे तैयार करें। अब हमारा शीरा अच्छे से तैयार है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर करके इसमें हम कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। इसमें नारियल पानी, इसको बिल्कुल आपने अब लो फ्लेम पर बनाना है। अगर आप तेज फ्लेम करेंगे तो अच्छे से नहीं पक पाएगा, और चम्मच साथ साथ हिलाते रहना। इसे तकरीबन आधा घंटा लगता है पकने में। चम्मच आप इसे हिलाते रहें, चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना ये खराब होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप चम्मच हिलाते रहें, जब ये ठीक होना शुरू हो जाएगा तब ये तैयार होना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा हलवा ठीक होना शुरू हो गया है। चम्मच आप चलाते रहें, चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना। अब आप देख सकते हैं ठीक हो चुका है। इसमें अब हम ऑयल शामिल करेंगे। देखिए एक एक चम्मच आपने 5-5 मिनट बाद डालते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर ऑयल को, ऐसे ही हम 5-5 मिनट बाद डालते जाएंगे। पांच मिनट बाद फिर हम इसमें ऑयल शामिल कर रहे हैं, इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इसमें जाएगा 3rd चम्मच ऑयल, देखिए, और साथ ही हम 1 और चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम, इसे 10 मिनट लगेंगे बस तैयार होने में। अब हमारा कराची हलवा तैयार है। इसमें बादाम शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। हमने सारा हलवा इसमें निकाल लिया है। नीचे हमने प्लेट को अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया था, इसको अब हम करेंगे बादाम से गार्निश। देखिए ऐसे, ठंडा होने के लिए इसे हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। तो जी नाजीन, अब आप देख सकते हैं हमारा कराची हलवा बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, इससे हमारी आपको बरवक्त वीडियो मिलती रहेगी। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने जो अमान में रखे और हर बुरी मुसीबत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।